नमस्ते दोस्तों, कंप्यूटर में और मोबाइल के क्षेत्र में जनरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कंप्यूटर में कोर i3 के अंदर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट, नाइन, टेन, इलेवन जनरेशन क्या होता है, और मोबाइल फोन के अंदर 1G, 2G, 3G, 4G और 5G क्या होता है। अगर आप भी इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, पूरे लास्ट वीडियो को बने रहिए, आपको बताएंगे इसमें क्या फायदा होता है। दोस्तों, उसके पहले चैनल पहली बार आए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं कहूंगा प्लीज ये लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूं, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आता रहा, तो आप सबके इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर जो सीपीयू आते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसके अंदर जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए सेकंड जनरेशन आपने सुना होगा कोर i3 के अंदर, उसके बाद कोर i3 के अंदर थर्ड जनरेशन, फोर्थ, ऐसे मतलब कि उस सीपीयू के अंदर जनरेशन के वजह से जो है चेंजिंग हो रही है, मतलब जो भी उसके अंदर विकास हो रहा है, जो उसके एवोल्यूशन हो रहा है, उसी को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कोर i3 के अंदर 10 जनरेशन मिल जाएगा, कोर i3 के अंदर 11 जनरेशन मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर कि ये 1G क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G, 4G और 5G। देखिए बता दें आपको हम कि जब 1G जब हम मोबाइल यूज करते नहीं थे, उसके पहले 1G आता था। आप देखेंगे पुराना जो फोन हुआ करता है, इसमें लंबा से एक टावर निकला रहता था, ये फोन है वो, और उसके अंदर वो जो काम करता था लगभग 1980 दशक की बात है, ये 4G टेक्नोलॉजी में काम होता था, और उसके अंदर वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, हम बात करते थे आवाज क्रैक होता था। उस समय ख्याल तो पैदा भी नहीं हुआ था, ये 1980 की बात है, तो लोग उसमें बात करते थे तब। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती थी वो 24 KB बात होती, आज हम GB की TV की बात करते हैं, उस समय 24 KB में बात होती थी, क्लियर हो चुका है आपको। तो उस समय 1G कहते थे, जो नॉर्मल फोन आते थे घर के अंदर जिसमें एक एंटीना लगा रहता था, उससे हम बात करते थे। फिर बात आई 1990 के अंदर, फिर थोड़ा सा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद 2G आ गया। जब 2G आया, 2G बहुत दिन तक चलता रहा, हम लोग यूज करते रहे। आपने देखा होगा नोकिया का फोन आया, वो करता था, छोटा छोटा फोन था, उसके अंदर 2G सिम लगे रहते थे, और 2G सिम के माध्यम से हम बात करते किसी से तो आवाज बहुत क्लियर नहीं होता था, और इंटरनेट की सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम उससे क्या कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, और उससे मैसेज के लगभग 1 रुपए लगते एक मैसेज करने के लिए। अगर हमें किसी को मैसेज करना होता था तो लगभग 1 रुपए लगता, आज तो मैसेज फ्री है, व्हाट्सएप कर लीजिए, फेसबुक मैसेज कर लीजिए, उस समय 1 रुपए लगता था 1990 के लगभग, क्लियर आपको है ना। तो उस समय देखेंगे नोकिया का जो फोन आता था उसके अंदर इनबिल्ट लिए रहते थे आपके एंटीना के माध्यम से हम बात कर लेते थे। फिर बात आता है सन 2003 की, और सन 2003 के अंदर 3G आ जाता है। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, जी मतलब समझ लीजिएगा जनरेशन होता है, मतलब कि जनरेशन मतलब इसके अंदर विकास होता गया, उत्पत्ति आती गई, नई चीज आती रही, तो जनरेशन बनता चला गया 2003 में। उसमें हमने स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास जो है डेटा, हम फोटो शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए, लगभग 2 MB का स्पीड हमको मिलना शुरू हो गया उसके ऊपर 3G के अंदर, और हम फोटो शेयर करना स्टार्ट कर दिए, हम व्हाट्सएप यूज करना स्टार्ट कर दिए, मतलब फोटो का आदान प्रदान स्टार्ट कर दिए, तो 2003 के अंदर हो गया। तो विकास होता चला गया, विकास होता चला गया, हम लोग को नई नई चीजें टेक्नोलॉजी मिलती चली गई। फिर बात आता है 2011 के अंदर, देखिए जो बातें मैं कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड वाइड कर रहा हूँ, जो हमें इंडिया में थोड़ा सा लेट मिलता है, जैसे कि जैसे अमेरिका हो गया, बड़ी जो देश हो गया वहाँ पे टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, वो हमारे बाद में आती है। तो 2011 के लगभग जो हमको 4G आ चुका है इंडिया के अंदर, और उसके बाद हम जो है 4G का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। देखिए जो 4G इस्तेमाल किया, मतलब 4 जनरेशन स्टार्ट कर दिए, इसके अंदर स्पीड मिलना, आजकल तो देखता हूँ कि जो फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से 4G स्पीड 1 GB तक आपको मिल जाता है। मेरे पास कुछ एयरटेल कनेक्शन है, उसमें 400 MB का स्पीड मिलता है इंटरनेट के लिए, मतलब अब जो है हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैटिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज कर सकते हैं। जो वीडियो हम पहले 2G के अंदर 3G के अंदर वीडियो बफरिंग करता था, जैसे करते 3G के अंदर बफरिंग करता था, लेकिन 4G के अंदर जो है क्वालिटी अच्छी होगी, अब बफरिंग नहीं करता, हम देख सकते हैं। ये है मतलब 2011 के बाद से हमको 4G मिलना स्टार्ट हो गया। देखिए जब 4G यूज करेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा देखने के लिए, कि एक वोल्टी मिलेगा और एक मिलेगा LTE, नोट कर लीजिए ना, एक LTE और एक मिलेगा वोल्टी। LTE का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। जब 4G लॉन्च हुआ था उस समय जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि 4G के अंदर हम तुरंत 5G नहीं ला सकते हैं, हमें 4G के अंदर कुछ ना कुछ विकास करना पड़ेगा कि कैसे हम क्वालिटी और अच्छा कर सकते हैं। जब 4G लॉन्च हुआ तो उस समय LTE देखते रहेंगे, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। उसके अंदर क्या होता था, इंटरनेट भी एक साथ काम करता था, और उसके साथ जो है हमारा जो वॉइस का काम होता था वो भी दोनों साथ करता था। तो जब काम करते थे ना उस समय, तो जब हम इंटरनेट यूज करते थे हमारा वॉइस क्रैकिंग करता किसी बात करते समय, आपने देखा होगा LTE अगर आप सेट कर लीजिए उसके बाद देखिए ऐसे दिक्कत होगा। तो दूसरी बात हुआ कि OLTE आ चुका, मतलब VOLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये जियो ने लेकर आया। और उसमें क्या हुआ कि जब वॉइस
वॉल्टी आया, वॉल्टी मोबाइल में सेट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तुम्हारे मोबाइल की क्वालिटी भी ठीक ठाक मिलती है, मतलब दोनों एज ए बैलर काम करता है, इंटरनेट की स्पीड भी कम मतलब काम करेगा और आपका जो है बात भी कम करना। इसलिए देखिए 4G यूज करने वाले लोग हमेशा जो है वोल्टी यूज करते हैं, LTE के मुकाबले अच्छा है वोल्टी, बात समझ चुके हैं ना। तो वोल्टी की बात वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के लिए हम वोल्टी यूज करते हैं, इसमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। लेकिन एक चीज नोटिस कर लीजिए, जब देखिए अगर वोल्टी आप किए रहेंगे, आप जब बात करेंगे फोन के ऊपर ना, तो थोड़ी सी इंटरनेट की प्रभाव कम हो जाती है। बहुत सारे फोन में लिखा जाता है उसमें इंटरनेट बंद हो जाता है, कारण यही होता है, तो बहुत सारे लोग मालूम नहीं कारण से होता है। 1 GB तक तो स्पीड मिल जाता है 4G के अंदर। अब बहुत ऐसे काम चल रहा है, 2020 लोग बात कर रहे थे कि 5G इंडिया में आ जाएगा, लेकिन अभी तक 5G नहीं आया, लेकिन सुना होगा विदेशों में 5G आ चुका है और इसकी स्पीड लगभग 100 GB तक मिलेगा। आने वाले समय के अंदर आपका तुरंत तुरंत काम सटासट काम हो जाएगा, मतलब कोई भी काम करना जाएगा। मान लीजिए कि आप जैसे कि आप दिल्ली रहते हैं, आपको किसी काम से बॉम्बे जाना पड़ा, तो वहां से चाहेंगे कि अगर आपका 5G घर के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, 5G लगा उससे 5G से कनेक्टेड है, तो पूरा ऑपरेट वहां से कर देंगे। AC हो गया, फ्रीज हो गया, मतलब जो सारी चीजें होंगी उसको आप सही तरीके से कर लेंगे। मतलब 2020 के बाद जो है हमको मिलने वाला 100 GB तक का स्पीड, हम अमेरिका बैठे बैठे जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो उस तरीके से क्वालिटी हमको मिलने वाली। दोस्तों देखिए मेरे मन में आया कि क्यों ना लोगों को बता दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में लोगों के आते रहते हैं। देखिए जो बच्चे होते छोटे ना, वो सवाल पूछते रहते, पापा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो आपके मन में सवाल अगर आते होंगे ना, तो आप भी कहीं ना कहीं जानकारी हासिल करना चाहते होंगे। तो मैंने सोचा एज ए टीचर, एज ए एक मतलब ज्ञानवर्धक व्यक्ति होकर आपको जो है मैं कुछ ज्ञान दे दूं, और मुझे लगता है कि आपके सामने अगर कोई बात करेगा कि कंप्यूटर के अंदर i3 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 5th जनरेशन, तो आप उसका जवाब दे देंगे, और बात करेगा कि 1G 2G 3G 4G 5G मोबाइल के अंदर, तभी आप देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक कर दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता पहले क्या अच्छा वीडियो आ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दी। बहुत सारे दुनिया के अंदर होते हैं जो ऐसी सारी चीज सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है फायदा। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे किसी एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक आप लोग को नमस्ते दोस्तों।